संख्या तो कैसे कम हुई? नेट बंद कर देना ज्यादा बेहतर आदमी ईशान मिश्रा, आज आप मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं जी, क्या उनसे मांग करेंगे? उनसे मांग करेंगे कि उसका इनकाउंटर होना चाहिए। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? उसकी हत्या हुई है। किसने की है? अब्दुल हमीद के लड़के ने। कैसे हुआ था, थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा संक्षेप में बताएं। गोली मारकर। इस तरीके से आप उसको नीचे लेकर के आए थे, क्या घटना वहाँ पर? घटना ये हुई कि वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो उससे पहले तो वहाँ लाठीचार्ज हो चुका था। पब्लिक थोड़ा इधर उधर भगदड़ मची हुई थी। उसी में हम लोग पहुँचे तो जब तक हम पहुँचे उसी भगदड़ में सब भागने लगे तो हम लोग भी भागने लगे। उसमें कहाँ फंस गया हमारा भाई ये पता ही नहीं चला। उसको जब ऊपर से एक लड़की छोटी बच्ची थी उसने इशारा किया कि इधर कहीं फायर हुआ है, तब तो हम गए हैं ऊपर। वो भी जाने नहीं दे रहे थे प्रशासन वाले, तो उसका दूसरे का दरवाजा तोड़कर जिसके घर से हम गए थे उसको भी इतना मारा है उन लोगों ने कि वो भी ट्रामा सेंटर में आखिरी सांसें ले रहा है। जिसने दरवाजा खोला था हमें जाने के लिए छत, वो भी लखनऊ में एडमिट है। कहां पर ये घटना हुई है? ये महाराजगंज मार्केट इंडियन। किसके घर पर हुई? अब्दुल हमीद। तो मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं? वहाँ पहुँच कर के हमको आप मांगे जो नहीं हुई है कि हम उससे मुलाकात कर पाए, अपने दाद फरियाद कर पाए जो उनका तकलीफ है, हमारा लड़का मारा गया है, उसके विषय में हाल कुछ समझ में आई तुम कहा। और कुछ दुख साझा करेंगे? हाँ दुख कहा, जब तक कुछ हमें आत्मा महा हुई तुम सब कहा। हत्यारे के लिए क्या करेंगे? हत्यारे के लिए दंडित किया जाए, समझो, मारा जाए जिन्होंने हमारा लड़का मारा गया है, यह मेरे भाव मारा जाए। कौनी मेरे तरफ तरफ का हमारे कौनी मेरे तबियत का के इसमें जब गोली लगी हुई है तो बारम्बार का पूछ परेशान, हम बहुत परेशान हैं समझो। हम का कह दी के विषय में कथा ज्यादा से ज्यादा हमारे आत्मा के अंदर दुख है, बोलो ये काम चीज दिखाए ना सके आत्मा अपना, बोलो वो का कह दी। और उनके सामने पांच जो उनको हमें दिमाग में तो उनका दिमाग वहाँ सही नहीं, सही बहुत परेशान है समझो, दिन रात रोत 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 रो परेशान।